अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही राइट साइड का सब्सक्राइबर बटन दबाएं और हमारा लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करें। नशे की ओवरडोज के चलते एसएचओ के बेटे की हुई मौत के मामले को पुलिस ने कुछ ही दिनों में सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में कपूरथला सिटी थाना के एक हवलदार को काबू किया है। बता दें कि 11 मई को एसएचओ गुरमीत सिंह के बेटे जीवन ज्योत का शव गांव हिस्से वाला रोड पर फोर्ड फिगो कार में बरामद हुआ था। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की तो पता चला कि मृतक जीवन ज्योत की मौत वाले दिन कपूरथला सिटी थाना के हवलदार दविंदर सिंह से बातचीत हुई थी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए हवलदार दविंदर सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी जीवन ज्योत से एक नशा छुड़ाव केंद्र में मुलाकात हुई थी। इसके बाद वे मिलकर नशा करने लगे। 11 मई को भी जीवन ज्योत उससे मिलने आया था, लेकिन ज़्यादा नशे के कारण जीवन ज्योत की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। इसके बाद वह जीवन ज्योत की लाश गाड़ी में लेकर घूमता रहा और रात 12:30 बजे जीवन ज्योत की लाश ड्राइविंग सीट पर रखकर फरार हो गया। उधर पुलिस का कहना है कि आरोपी को रिमांड पर लेकर और पूछताछ की जाएगी ताकि इस मामले में और खुलासे हो सके। रस्ते एक लिंक रोड जाती है पिंड हिस्सोवाल, वो डेड बॉडी जी सी वो लड़के की पहचान हुई सी जीवन ज्योत गैरी सन और गुरमीत सिंह जो कि लुधियाने का रहने वाला और सस्पिशियस सरकमस्टांस दे डेड बॉडी रोड फिगो कार जो लाइट सिल्वर ग्रे कलर की सी वो ड्राइवर सीट पर पड़ी सी और जी डिक्की आदे मिट्टी जा निशान से या बच्चों चुकी होने करके लगता सी डेड बॉडी जी किसी होर जगह तो लिया के डिक्की चो कट के ड्राइवर सीट पर रखी गई। फिर वो लड़के जी डेड बॉडी पे सी वो फादर से गुरमीत सिंह के बयान पर जरा केस रजिस्टर किया गया पी एस सुधार और इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारा पता पड़ताल की गई। ये सारी टीम जी मेरी बैठी अफसर की इन्होंने कंटीन्यूअस एफर्ट्स करके विदिन 48 आवर्स जी एमस्ट्री उन्होंने क्लीयर कर दिता। जिद ये सामने आई गल कि उस दिन एक दविंदर सिंह नाम का मुंडा जो कि बाजेखाने का रहने वाला और पंजाब पुलिस के सर्विंग कॉन्स्टेबल है कोतवाली कपूरथला, उस दिन वो पुलिस स्टेशन तो कोई नमूने लैके एफ एस एल से जमा करवा गया चंडीगढ़ और वापसी के ये दसन मुताबक जरा डिजीज उन्हें फोन किया तो बुलाया और मरण वाले ने उसको पैसों की मांग की थी। फिर सारा दिन दोनों उस गड्डी के डिफरेंट लोकेशन पर घूमते रहे। फिर रात 8 आवर इन दोनों ने जो कि ड्रग्स जी हीरोइन टाइम पहुँचा वो लैन दे आदि से वो उन्होंने सिलेंडर ले ली ओवरडोज के कारण उसकी मौत हो गई। इनू अजे असी अज अरैसट किया कोर्ट के पेश करके रिमांड लवेंगे बट वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दस रहा, समवेयर इन दस रहा कि मोगा एरिया जिते इन्होंने यदा नशे का सेवन किया सी। उतों फिर डेड बॉडी डिक्की पा के इतने सवाल उन्हें कार खड़ी करती तो आप वो अपने पिंड बाजे खाने चले गए। हूँ तक की जी इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने बच्चे कला ही और दसन लाइज बट अजे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी है विजरा रिपोर्ट आनी है फिर यदा रिमांड लैके होर इंटरोगेशन करा। हो सकता कि कोई नवे तत्थ सामने आ नवी चीज़ ऐड हो पहला भी तालुकात जानते जनवरी से
ਉਹਨੇ ਹਲਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਸਰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੈਲਦੀ ਸੀ ਲੜਕਾ ਜਿੰਮ ਜੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਸੋਲਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜ ਵੈਪਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।